तो लो जनाब, कैमरा उठाए निकल पड़े हम फिर से काम पे। एक नए ब्लॉग के साथ हम फिर से हाजिर हैं और हम लोग हैं रेजिडेंसी रोड पे। तो घूमते घूमते हमें दिख ही गए बिट्टू जी, और ये हमारे होटल के बिल्कुल बाजू में इनकी कार्ड लगती है। यहाँ पे बहुत फेमस है, बच्चा बच्चा यहाँ पे जम्मू में जानता है कि अगर फ़िश फ्राई खानी है तो कहाँ खानी है। बिट्टू फिश कॉर्नर, रेजिडेंसी रोड। बिट्टू जी, यहाँ कब से लगा रहे हैं आप? सर, मेरे दादाजी ने शुरू किया 1949 में। अरे वाह, ये हमारी थर्ड जनरेशन है। ये 73 इयर्स। कितने बजे भैया शुरू करते हो यहाँ पे? 4 बजे शुरू करते हो। कितने बजे तक? 9:30 बजे तक। 9:30 बजे तक सिर्फ फिश फ्राई होती है ना? ओनली फिश फ्राई। ठीक है, बढ़िया। और बिट्टू जी, कौन सी फिश होती है? सर, हमारे पास होती है सिंगाड़ा और सोल। सिंगाड़ा और सोल, वाटर फिश। स्वीट वाटर फिश। स्वीट वाटर फिश, जस्ट एज स्वीट एज यू। हमारे पास सिर्फ ओनली रिवर फिश होती है। तो जम्मू में भी मिलती है ये फिश, या ये आप बाहर से मंगवाते हैं? क्या सिस्टम? हमारा ट्रैक्टर था माल हिमाचल से। अच्छा, हिमाचल से आ रहा है। पोंग डैम से। हाँ जी, पोंग डैम से माल। पोंग डैम, इसको करते हैं सुबह से, मेरे से करते हैं इसको। अच्छा जी। सुबह 7-8 घंटे पहले, तो उसके बाद इसको अपना सीक्रेट मसाला ये लगा के। ठीक है। तो ये अदरक लहसुन की पेस्ट बना के, बेसन की पेस्ट बना के, उसमें हल्की सी कोटिंग देते हैं। ज़्यादा नहीं देते, हल्की सी कोटिंग देते हैं बेसन। अच्छा, ताकि ये फिश का अपना टेस्ट रहेगा। बस इतनी सी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ज़्यादा बेसन से फिश पकौड़ा बन जाता है और बैटर थोड़ा हैवी हैवी सा लगता है। फ्राइड फिश होती है और यहाँ पे हाफ डन करके रखी है। जो फिश की अपनी पहचान है ना, वो स्किन से ही है। जितना प्रोटीन स्किन में है ना, लोग स्किन लेस खाते हैं ना फिश, मेरे हिसाब से स्किन लेस फिश नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए। हाँ। फिश का जितना फ्लेवर फिश का ना स्किन में होता है ना, वो अगर फिश का स्किन उतर जाएगी ना, उसका टेस्ट ही खत्म हो जाता है फिश का। अगर असली मच्छी कोई भी होगी ना, उसकी स्किन नहीं उतारनी चाहिए। बिल्कुल। आजकल तो डुप्लीकेट मच्छी आती है, उसको स्किन उतार देते हैं, स्किनलेस कर देते हैं, ताकि मछली की पहचान ही खत्म हो जाए। हाँ। हमारा ऐसा नहीं है, हमने बिल्कुल सामने फिश रखी है, सामने काट रहे हैं, सामने मैरिनेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रखा है हमने। जी, थोड़ा पहचान में बताइए कौन सी? ये सोल है सर। ये सोल होती है। ये सिंगाड़ा था। ठीक है। अच्छा बिट्टू जी, सारा साल चलती है अपनी फिर? या सारा साल नहीं चलती है, 2 महीने के लिए ऑफ रहती है, जून और जुलाई में। जून और जुलाई में ब्रिटिश ये होता है, हिमाचल गवर्नमेंट इसको ध्यान लगा दी 2 महीने के लिए। अच्छा, तो हमारा 2 महीने के लिए ऑफ रहता था। ठीक है। मेरा ख्याल जून जुलाई में वही जो ऑफ सीजन होता है फिश का, है ना, इसी वजह से शायद। ठीक है। ये बाकी फिश चलती रहती है 12 महीने के लिए। ये हिमाचल वाला माल टोटली बैन हो जाता है। बैन हो जाता है। ठीक है, राइट सर। हम भी टेस्ट करेंगे, हमारे लिए लगा दीजिए जो भी अच्छी है, आप अपनी मर्ज़ी से लगा दीजिए। तो फिश हमने मंगवा ली है जी, टाइम टू टेस्ट। अभी अभी तो आए हैं, अभी तो मच्छी खानी है। ओह, मज़ेदार। ओए होए होए होए, भाई साहब मज़ेदार, गर्मा गर्म, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट है ये फिश, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अच्छा, प्रिपरेशन ना, फिश में प्रिपरेशन बहुत काउंट करती है। प्रिपरेशन हम लोग देख रहे थे, बहुत हल्के मसाले हैं, हल्का सा बेसन लगाया, और बिट्टू जी ने जैसे बताया कि ज़्यादा बेसन लगाएंगे ना तो पकौड़ा बन जाएगा, तो बिल्कुल हल्का सा बेसन लगा के इसको कुक किया गया। वेरी सॉफ्ट, वेरी 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 सॉफ्ट सिंगाड़ा मच्छी है। वेरी क्रिस्पी फ्रॉम द आउटसाइड, वेरी जूसी, वेरी सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड। मज़ेदार। बहुत बढ़िया टेस्ट है,
चलो इसको ख़त्म करते हैं। और कभी भी फ़िश खाओ ना, जैसे बिट्टू जी ने भी बताया आपको, विद स्किन ही खाना, असली मज़ा उसी में है। ठीक है, टाइम टू एंड द वीडियो। अच्छी लगी होगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल दूँगा, प्राइजेस डाल दूँगा। ठीक है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अभी नहीं किया तो। ठीक है, तो आई विल सी यू, बाय बाय।